कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाए प्रकरण के विरोध में पुनः शासन व प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेसियों ने लगाया आरोप, जानबूझकर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं को बनाया जा रहा है निशाना। कांग्रेस ने लगाया पक्षपात करने का प्रशासन पर आरोप। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। जी हां, गुना जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय के ऊपर प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रकरण पर कांग्रेस द्वारा आज एक जुलूस के माध्यम से विरोध जताया गया, जिसमें कांग्रेस के विभिन्न संगठन, मोर्चा और पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने गुना एसडीएम कुमारी अंकिता जैन को पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अनुसार कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। माता भी नाम अरे अरे क्या चल क्या रहा है ये? हम लोग मतलब गांधीवादी तरीके से अगर जी रहे हैं तो और आगे थोड़ा इधर पीछे हो जाओ। एक मिनट आगे बताओ। एक रिवीजन हुआ है परसों। एक साथ चलने वाले अधिकारी है और जो नियमानुसार जो भी इसमें आवश्यक कदम उठाए जाएंगे वो उठाएंगे, और जो आपका ज्ञापन सौंपा गया वो पुलिस अधीक्षक महोदय को पेश करके यथोचित जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखती है और उसी विश्वास पर हमने प्रशासन पर विश्वास किया है कि वो अनुचित कार्रवाई को ध्वस्त करेंगे और जिन अधिकारियों ने अनुचित प्रकरण दर्ज किया है उनके खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये जो आप अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इससे पहले भी आप काफी राजनीति पदों पर रहे हैं और समाज सेवी के रूप में भी आप गुना जिले में जाने जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपकी जानबूझ के छवि धूमिल करने की योजना है? निश्चित रूप से विपक्ष की आवाज़ दबाने का ये शिवराज सिंह सरकार का अनूठा प्रयोग है, लेकिन वो समझ जाए शिवराज जी कि अब जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में शिवराज सिंह जी को इनके परिणाम भुगतना होंगे। महंगाई और भ्रष्टाचार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से जनता का रुख हटाने के लिए उन्होंने हम लोगों पर ये कार्रवाई की है, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये आवाज़ पुरजोर उठेगी और शासन के खिलाफ जो भी कदम कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी हम वो कदम उठाएंगे। पूरी कांग्रेस आपके साथ है इस लड़ाई में।